हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जबकि अभी फिलहाल आपके फॉर्म आए हुए हैं आर्मी ऑर्डिनेंस के, ठीक है, इसमें आपकी ITI बेस पे कुछ फॉर्म है और आपकी जो 10 प्लस 2 भी शायद नहीं है, 10th बेस पे है। हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो हम आपका जहाँ से मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मैंने गूगल ओपन साइट कर रखी है, आपको फिलअप करना है यहाँ पे सरकारी रिजल्ट.com। हाँ जी, एक ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आके आप अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में न्यूज ले सकते हो, कौन से फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट लिंक पे देखिए सरकारी रिजल्ट.com, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020, ठीक है, आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नेम बोर्ड OFB एंड अदर वेरियस फैक्ट्री इन इंडिया आर कंपेल्ड इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, आपके आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फॉर्म है जो अभी हाल ही में आए हुए हैं, बस मतलब अभी आए हैं, मैं आपको इन्हें सबसे पहले दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों हमें चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं चैनल को फटाफट नीचे से आप क्लिक करके रेड कलर के बटन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको मतलब कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो तो, ठीक है। जी फ्रेंड, आपकी इसमें एप्लीकेशन बिगिन की बात की जाए, आपकी जो फॉर्म है 10 तारीख से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 10/1/2020 से। इसमें आपकी लास्ट डेट की बात की जाए, इसमें लास्ट डेट है 9 तारीख की, ठीक है, अगले महीने में फरवरी में। इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए, इसमें आपकी जनरल OBC के लिए 100 रुपीज फीस रखी गई है, ST/PS के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है गाइज, उनके लिए इसमें कोई फीस नहीं है, ठीक है। ऑल कैटेगरीज फीमेल, इनकी गाइज कोई फीस नहीं है इसमें, जो मतलब फीमेल है इसमें गाइज, मेल फीमेल दोनों ये फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, ठीक है। आप अपना जो ये फीस पे आप अपने नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको कोई इशू नहीं होगा। इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए, इसमें आपकी वैकेंसी आप देख लीजिए यहाँ पे 6060 टोटल पोस्ट आपकी, वैकेंसी आपकी टोटल इसमें 6060 है गाइज, काफी वैकेंसी ऐसी में आपकी, ठीक है। आपको वैकेंसीज के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कितनी वैकेंसीज है कितनी नहीं है। इसमें आपकी एज लिमिट की बात कर ली जाए, 15 से 24 साल के बीच आपकी इसमें एज होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी इसमें देख लीजिए यहाँ पे ITI बेस पे अगर दोस्तों आपने ITI कर रखी है, तो आप इसमें टोटल पोस्ट आप देख लीजिए यहाँ पे 3487 पोस्ट है ITI बेस पे ओनली। अगर आप नॉन ITI मतलब आपके पास ओनली 10th पास है, तो आपके पास 219 पोस्ट है इसमें आपकी, ठीक है। आपके पास गाइज, आपको बता दूं मैं, जो लोग मतलब वीडियो देख रहे हैं अभी, आपके पास 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप ITI बेस पे कर रहे हो, तो आपके पास 10th में कितने मार्क्स हो, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप बिना ITI के भर रहे हो, तो आपके पास 10th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री वाइज वैकेंसीज डिटेल्स है। यहाँ पे आपकी यूपी की पोस्ट चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनरी क्लोथिंग फैक्ट्री ऑफ FC सांजापुर, ठीक है। इसमें आपकी जनरल की 158 पोस्ट है, OBC की 76 है, ST की 46 है, ST की 02 है, ठीक है। टोटल पोस्ट में आपकी हो जाती है 282 पोस्ट, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब दी मतलब वैकेंसी दी गई है, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को मतलब रोक के आप आराम से देख लीजिएगा, मैं इसको मतलब नीचे कर देता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे आपको MP में वीडियो मतलब MP में आपको वैकेंसी देखने को मिली है, MP मध्य प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड की आपको वैकेंसी दी गई है इसमें, तेलंगाना की दी गई है गाइस, चंडीगढ़ के लिए दी गई है, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए दी गई है, वेस्ट बंगाल की लिए दी गई है, ठीक है, तमिलनाडु के लिए दी गई है, उड़ीसा, ठीक है गाइस। जो भी उड़ीसा से मतलब जो आपके आसपास एरिया से बिलोंग करते हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप आराम से कर सकते हैं। ये फॉर्म गाइज आपका ऑल इंडिया लेवल पे है, इसमें आप कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर आपके पास 10th पास है, ITI है, दोनों में से कोई एक है तो भी सही है, अगर आपके पास एक है ओनली 10th पास है तो भी सही है, ठीक है, आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 10 जनवरी गाइज, जो ये मतलब ऑनलाइन फॉर्म है गाइज, 10 तारीख से ऑनलाइन फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे।
गाइज मैं मतलब जी स्टार्ट होते ही मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस रिलेटेड मुझसे कोई भी न्यूज़ चाहिए हो, तो आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ बात आपको पूछनी हो, ठीक है, इसकी पोस्ट के बारे में, फिर वैकेंसीज के बारे में, या फिर आपकी एज के बारे में, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो आपके वेट के बारे में, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट में, ठीक है, आप आराम से पूछ सकते हैं। या फ्रेंड्स जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।